कुराने मजीद अल्लाह इज़्ज़त का एक ऐसा शाहकार है कि जिसे अगर कोई अकले सलीम रखने वाला और वसी नजर का मालिक गैर मुस्लिम भी तस्ब के बगैर देखे तो बिलाशुबा इसकी हक्कानियत को मानने पर मजबूर हो जाता है अगर आप क्रिकेट से थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आप विराट कोहली के नाम से जरूर वाकिफ होंगे रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली दुनिया के हर मुल्क में अपनी फैन फॉलोइंग रखते हैं इसी वजह से तमाम बड़े ब्रांड्स विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने में दिलचस्पी रखते हैं मैगज़ीन फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के दौरान विराट ने मुख्तलिफ एड्स में काम करके दो अरब पचास करोड़ रुपए कमाए थे और दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं के पिछले दिनों जब विराट कोहली को एक ऐड की ऑफर हुई तो उन्होंने कुरान मजीद के मुतल अपने किन ख्याल का इजहार किया इंडियन मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक परफ्यूम बनाने वाली एक मशहूर कंपनी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके अपने एक परफ्यूम के लिए विराट कोहली से एड बनवाना चाह रहे थे और उस एड के स्क्रिप्ट के मुताबिक विराट कोहली को अपने एक मुस्लिम दोस्त को कुरान मजीद का तोहफा देना था और उसके साथ साथ उसे परफ्यूम भी लगाना था दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि इनतहाई भारी मुआवजे के बावजूद भी कोहली ने यह ऐड करने से इनकार कर दिया उनका मौक़ यह था कि कुरान मजीद मुसलमानों की मुकदस किताब है जिसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं इसके अलावा परफ्यूम में अल्कोहल भी एक अंसर के तौर पर मौजूद होता है और अल्कोहल की मौजूदगी भी कुरानी तालीमात के बरक्स है और वो ये ऐड करके मुस्लिम भाइयों की दिल आज़ारी नहीं करना चाहते मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परफ्यूम बनाने वाली कंपनी ने विराट कोहली का मुआवजा डबल कर दिया मगर उन्होंने फिर भी ये ऐड करने से साफ इनकार कर दिया और दोस्तों जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों की तरफ से दो मुतजाद बातें सामने आईं कुछ लोगों का कहना था कि विराट कोहली ने कुरान पाक हाथ में ना पकड़कर अपने हिंदुवाना तस्ब का इजहार किया जबकि बहुत से लोगों का ये कहना था कि उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला किया वो इस्लामी शयार से आगाह थे कि परफ्यूम में अल्कोहल की मौजूदगी और कुरान मजीद को किसी नापाक का छूना मुसलमानों को तकलीफ़ दे सकता है बहरहाल हम जानना चाहेंगे कि आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा